गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। पिछले दिनों के घटनाक्रम बता रहे हैं कि कांग्रेस अब उस दिशा में आगे बढ़ रही है। शायद इसीलिए प्रियंका पत्तियां तोड़ रही हैं, राहुल पुशअप लगाकर बदन तोड़ रहे हैं और G23 के नेता कांग्रेस को तोड़ने में लगे हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस खत्म होने जा रही है, अगले चुनाव में अब आपको कांग्रेस नहीं दिखेगी, कोई नया दल या सर्वदलीय संगठन दिखेगा। उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर कहा कि दिग्विजय सिंह अब कमलनाथ को हटाकर ही मानेंगे। कांग्रेस का चरित्र बदल रहा है, अब कांग्रेसी जनहित के मुद्दों पर सड़कों पर आने में कतराने लगे हैं। वैसे भी कांग्रेस का जनता से सरोकार लगता है अब नहीं रहा। उन्होंने कहा सीधी में 54 लोगों के दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष रीवा तो गए पर घटना स्थल पर ना तो वे खुद गए ना उनके नुमाइंदे गए। बजट पर उन्होंने कहा कि जनहित में नेता प्रतिपक्ष का चर्चा में शामिल नहीं होना दिखा रहा है कि उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो अघोषित रूप से कमलनाथ जी को चुनौती दे रहे हैं। कमलनाथ जी नहीं समझाए या जान के अनजान बने, ये उनको है। पहले गॉडसे के उस पर उन्होंने लक्ष्मण सिंह जी ने दोनों ने मिलकर ट्विटर के द्वारा फेसबुक के द्वारा हवा दी। अब ये गैर कांग्रेसी, मैं पहले भी कहता था कि ये कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है, अगले चुनाव में कांग्रेस नहीं होगी, कोई सर्वदलीय होगा। दिग्विजय सिंह का उसी दिशा में बढ़ा हुआ ये कदम है, या तो वो कमलनाथ को हटाएंगे या इस रूप में सामने आएंगे। सर दूसरा राहुल गांधी जी दंड बैठक लगा रहे हैं, बेटी चाय की पत्तियां तोड़ रही है, ये पुशअप लगा के बदन तोड़ रहे हैं, 3G वाले कांग्रेस तोड़ रहे हैं, 23G वाले कांग्रेस तोड़ रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन के बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, लगभग उसी दिशा में अब बढ़ रहे हैं। वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। दरअसल 54 लोग मर गए, स्थगन आया, पर नेता प्रतिपक्ष जी उस स्थगन में मौजूद नहीं थे। पहली बार हुआ ऐसा। 54 लोग मर गए, घटना स्थल पर कोई नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं गया। इससे आप कांग्रेस की सोच को सोचो कि वो जनहित से जुड़े मुद्दों पर सामने जाने से ही कतराते हैं। गौडसे जैसे विषय सामने लाके विषयांतर कोशिश करना चाहते हैं। अब बजट जैसी चर्चा पे भी अगर वो नहीं रहेंगे तो मेरे ख्याल से ये गलत परंपरा होगी। मेरी प्रार्थना है कि पूरी बजट की चर्चा में भाग ले। ये बजट प्रदेश की जनता के हितों से जुड़ा होता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।